हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। सो मैं आज आप लोगों के सरफ़ से जो झाड़ी है इसको बॉटल ब्रश बोल देंगे, तो इसी के बारे में बताऊंगा प्लांट्स के बारे में। सो आप लोगों को दिख रहा हो काफ़ी अच्छे से, यहाँ पर इसका पूरा ट्री लगा हुआ है। अभी इसका फ्लावरिंग का सीज़न है, वैसे तो फ्लावर काफ़ी टाइम रहता है इसका। एंड इसका बॉटल ब्रश जो नाम पड़ा इसलिए क्योंकि जिसके फ्लावर है ना, जो हमारा लैब होता है लेबोरेटरी, तो उसमें जो ब्रश जो टेस्ट ट्यूब वगैरह साफ़ करने के लिए जो ब्रश यूज़ करते हैं ना, उसी ब्रश की तरह दिखाई देता है, इसीलिए इसको बॉटल ब्रश बोलते हैं। एंड जो इसके सीड्स हैं ना, आपको दिखाता हूँ काफ़ी अच्छे से, वो कैप्सूल्स की तरह रहते हैं। अरेंजमेंट सीड्स का कैप्सूल बना रहता है, तो देख सकते हैं यहाँ पे दिख रहा होगा छोटे छोटे सीड्स, यहीं पे फ्लावर रहते हैं, अरेंज रहता है। एंड जब फ्लावर सूख के गिर जाता है, उसका टाइम ख़त्म हो जाता है, तो सीड्स का फॉर्मेशन होने लगता है। एंड इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है कैलिस्टेमन, जो कि इसकी फैमिली है मैरिटेसी, उसी से बिलोंग करता है ये। एंड इसका जो लकड़ी होती है वुड, काफ़ी हार्ड होती है, आप देखेंगे यहाँ पूरा इतना तगड़ा दिख रहा है देखने में। और ये अगर इसको पानी कम भी मिलता है फिर भी ये सर्वाइव कर जाता है। तो ये पूरा पार्क दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको लगाया गया है। वैसे गार्डन वगैरह में देखेंगे आप कॉलेज में या रोड के किनारे लगाया गया रहता है, और देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। सो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए प्लान के साथ।